मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में शामिल होने कटनी पहुंचे, जहां उन्होंने चीन के विवाद पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी 1962 याद कर ले, चीन ने भारत के कितने क्षेत्र पर कब्जा किया था। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के समय पिद्दी सेट देश भी भारत को डराते थे। राहुल गांधी से अरे भाई कौन से यार, पहले पूछना चाहता हूँ, 1962 भी याद कर लो राहुल गांधी, तब देश की हालत क्या थी? चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था? जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे। आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है तुम्हारा। और अगर किसी ने आंख उठा के हमारे देश की तरफ देखने की हिम्मत की, अरे भैया चीन ने भी की थी, तो चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंका था हमारी सेना ने। ये वाला हाथ नीचे कर लो, हमारी सेना का अपमान न करे। अब चलिए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को ऐसा क्यों कहा। दरअसल शुक्रवार को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर जयपुर में मीडिया से कहा था कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। राहुल के बयान के बाद पूरा विवाद शुरू हुआ। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर शुक्रवार को जयपुर में राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए चीन के मसले पर विदेश मंत्री को नसीहत दी। उन्होंने ये भी कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपनी सोच और समझ बड़ी करनी चाहिए। चीन की तैयारी युद्ध की है, सरकार इस मसले को नजरअंदाज कर रही है और इससे संबंधित जानकारियों को छुपाने की भी कोशिश कर रही है। चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, सरकार सोई हुई है। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है, और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में कटनी गए थे।